फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार मानवता के हक में। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि इस मामले की समाअत निचली अदालत में चल रही है, ऐसे में जरूरी है कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। इसके साथ ही ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला इंतजामिया को यह हुक्म दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला बताया गया है इस जगह को महफूज रखा जाए, लेकिन सिक्योरिटी बंदोबस्त से नमाज में रुकावट नहीं हो। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी फरीकों को नोटिस भी जारी किया है। आपको बताते चले, जज ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, जुमरात 29 मई को समाअत करेंगे। इस दिन सिविल कोर्ट में जो अर्जी गुजार है इनके वकील को भी सुना जाएगा। हम 16 मई के हुक्म को महदूद कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी ने शिवलिंग पर पांव लगा दिया तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि उन्होंने निचली अदालत की समाअत पर रोक नहीं लगाई है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि नमाजी वजू खाने में हाथ पांव धोते हैं, ऐसे में वहां इस केस से वाबस्ता कुछ अहम वाकयात पेश आ सकते हैं और वो तबाह हो सकता है। एसजी मेहता ने अंदेशा जाहिर किया कि शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर जज ने कहा कि हम तहफ्फुज़ का हुक्म देंगे। मेहता ने फिर कहा कि मैं इस पर कल बताना चाहूंगा। हम ये चाहते हैं कि आपके हुक्म का कोई नापसंदीदा असर मंजरे हम पर ना आ सके। इसके बाद मस्जिद कमेटी की जानिब से पैरवी कर रहे हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि कोर्ट के इस हुक्म से जगह की सूरत हाल बदल दी जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती, इस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। इसके बाद जज ने कहा कि हम जुमरात को समाअत करेंगे, अभी हम इस जगह के तहफ्फुज का हुक्म बरकरार रखना चाहेंगे जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हम डीएम को इसकी हिदायत देंगे, अगर कोई शिवलिंग मिला है तो इसका तहफ्फुज जरूरी है, लेकिन अभी नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि अदालत उज़्मा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया की अर्जी पर समाअत कर रही है। देखते रहे मानव समाचार।